हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, कल एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जो एलपी का शॉर्ट नोटिस देखने को मिला है और जिसमें 5,696 पद दिखाए जा रहे हैं, अब ये अपडेट बाहर आने के बाद जो है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हालांकि मैंने रात एक वीडियो बनाया था, ये वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो आप जाकर जरूर देखें। बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा था कि इसमें कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, ये फेक तो नहीं है, तो वो सारी चीज़ें मैंने रात वाले वीडियो में डिस्कस की थी। और टेक्नीशियन की वैकेंसीज के साथ क्यों नहीं आई है, उसके पीछे के जो भी रीज़न बन रहे थे ऑफिशियल, वो सारे मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए थे रात ही। ये वाला वीडियो आप जरूर देख लेना, आपको सारी चीजें तो वहीं से क्लियर हो जाएंगी। अब आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि एएलपी की जो वैकेंसी है इसके इंक्रीज होने के 100% चांसेस हैं। और ऐसा मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, इसके पीछे का रीजन भी मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा इस वीडियो में। तो अभी आप निराश ना हो, क्योंकि कल जब से ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर सामने आया है स्टूडेंट बिल्कुल निराश हो गए हैं। कमेंट से ही पता लग रहा है कि स्टूडेंट की स्थिति क्या है। व्हाट्सएप टेलीग्राम पर लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हम तैयारी छोड़ रहे हैं। तो अभी आपको तैयारी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली चीज तो ये समझ लो कि जब तक ये ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आता है तब तक आप इसको ये ना माने कि ये पूरी तरह से पुख्ता हो चुका है। पुख्ता इन द सेंस कि इतनी ही वैकेंसी रहेंगी, ठीक है। दूसरा, मैं आपको बता दूं, जब ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा, भले ही वहाँ पर ये इतनी ही वैकेंसी अगर दिखाई देती है, उसके बाद भी वैकेंसी इंक्रीज होने के 100% चांसेस हैं, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको टेस्ट बुक की हार्वेस्टिंग सक्सेस सेल के बारे में बताना चाहूँगा। 17 से लेकर 19 जनवरी यानी कि आज रात तक आप इसका लाभ ले सकते हैं, जिसमें ईयरली टेस्ट बुक का जो पास है वो आपको 314 रुपये में मिल जाएगा, जो कि पहले 499 का था। ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो 359 में मिल जाएगा, जो पहले 699 का था। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसको परचेज करते टाइम EG10 कोड का यूज़ करना है और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही आपको यहाँ पर 100% रिफंड भी मिल सकता है, तो अभी इसका लाभ जरूर उठाएं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी। देखो, सबसे पहला सवाल तो यही उठ रहा है कि एएलपी के इस नोटिफिकेशन के साथ टेक्नीशियन का नोटिस क्यों नहीं आया है, क्या टेक्नीशियन की वैकेंसी अलग से आएगी। देखो, वैसे तो मैंने रात वाले वीडियो में इस टॉपिक पर डिस्कशन किया था, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको यहां भी बता देता हूं। देखो, टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है, अगर बात करें 2018 की या उससे पहले 2014 की, तो हमेशा टेक्नीशियन की वैकेंसी एएलपी के साथ ही आई है। इस बार ये वैकेंसी एएलपी के साथ दिखाई नहीं दे रही है, तो उसका एक ही रीजन नजर आता है, क्योंकि टेक्नीशियन की जो वेटिंग है उसको क्लियर किया जा रहा है। 2025 तक जितने भी पोस्ट क्रिएट हो रही है उनको वेटिंग से क्लियर करने के लिए नोटिस ऑलरेडी आ चुका है। तो एकमात्र यही रीजन नजर आता है कि जब सारी पोस्ट वेटिंग से ही भरी जा रही हैं, तो ओपन मार्केट में टेक्नीशियन की वैकेंसी की क्या जरूरत है, ठीक है। तो टेक्नीशियन की वैकेंसी अलग से आने का तो चांस बहुत ही कम है, अगर आएगी तो एएलपी के साथ ही आएगी, अदरवाइज ये वैकेंसी टेक्नीशियन की शायद नहीं आएगी। अब यहीं से एक और चीज निकल कर आती है कि अगर टेक्नीशियन की वैकेंसी नहीं आएगी तो फिर आरआरबी जेई की वैकेंसी भी नहीं आएगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो आपका वेटिंग को क्लियर करने का नोटिस आया था, जिसमें बोला गया था कि 2025 तक की वेटिंग को क्लियर करो, उसमें टेक्नीशियन के साथ साथ आरआरबी जेई की भी वेटिंग क्लियर करने की बात कही गई थी, यानी कि आरआरबी जेई की जितनी पोस्ट बनती है उनको भी वेटिंग से भरा जाए। अब अगर टेक्नीशियन वाली बात सही है तो फिर तो आरआरबी जेई की भी वैकेंसी नहीं आएगी। अब इन दोनों पॉइंट पर ये जो आपका संशय है ये बना रहेगा तब तक जब तक रेलवे इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं देता है। और क्लैरिफिकेशन कब मिलेगा, जब ये एएलपी वाला नोटिस वेबसाइट पर आ जाएगा, उसके बाद ही यहां पर जो है आप अपने कंसर्न रेज कर सकते हैं और अपने अपने माध्यम से आप सरकार तक या रेलवे मंत्रालय तक ये बातें पहुंचा सकते हैं। तो जेई और टेक्नीशियन की वैकेंसी पर तो कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहां पर एएलपी की वैकेंसी की, क्या एएलपी वैकेंसी बढ़ेगी, तो मैं कहूंगा बिल्कुल 100% आपकी वैकेंसी बढ़ने के चांसेस हैं। अब इसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज़ तो ये समझो, 2018 में जब एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी तो पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें 27,000 के अराउंड पद आए थे, ठीक है। 27,000 वैकेंसी आने के बाद कुछ दिन बाद ही ये वैकेंसी बढ़ाकर 64,000 प्लस कर दी गई थी। तो जब 2018 में वैकेंसी इंक्रीज़ हो सकती है तो 2024 में भी वैकेंसी इंक्रीज़ हो सकती है। उसके अलावा एक दूसरा रीज़न मैं आपको बताता हूँ, GDC की वैकेंसी आई थी अभी कुछ दिन पहले सभी 16 RRC में। अगर GDC की टोटल वैकेंसी देखें, 10,000 से ज़्यादा पदों पर GDC की वैकेंसी आई थी, उनमें से अगर एएलपी के पद निकालोगे तो लगभग 5,000 के आसपास तो एएलपी के पद हैं। और आपको पता है कि GDC का जो कोटा होता है वो ओपन मार्केट से कम होता है, ठीक है। तो अगर ओपन मार्केट का जो कोटा है वो GDC से ज्यादा है तो ये वैकेंसी GDC के इक्वल बिल्कुल नहीं रहेंगी, ये 3 गुना जरूर होंगी। मान लो यहां पर GDC का कोटा 25% है और उसी में 5,000 के अराउंड वैकेंसी आ रही है, तो उसका अगर 3 गुना भी करें तो 14,000 से 15,000 वैकेंसी ओपन मार्केट में आनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं कुछ तो यहां पर गड़बड़ जरूर है, क्योंकि GDC की वैकेंसी को अगर आप देखेंगे, 10,000 पदों पर तो GDC में ही वैकेंसी थी, जो कि एक डिपार्टमेंटल वैकेंसी,
से, तो ओपन मार्केट में तो 5000 वैकेंसी का कोई भी तुक नहीं बनता है। तो इससे आप लोग मान सकते हैं कि वैकेंसी डेफिनेटली इंक्रीज होगी। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में क्यों प्रिंट हुआ है, कैसे प्रिंट हुआ है, क्या ये कोई ह्यूमन एरर है या क्या है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जैसी ऑफिशियल वेबसाइट पर चीज़ें आ जाएंगी। बाकी मैंने आपको बताया है कि पहले भी वैकेंसी इंक्रीज होती है, अगर आप SSC GD की बात करें, SSC GD में लगभग हर बार ही वैकेंसीज इंक्रीज हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैकेंसी इंक्रीज होने के पूरे पूरे चांसेस है। सिर्फ आपको क्या करना है, वेट करना है कि ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर आए, ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा उसके बाद जो है ट्विटर हैंडल्स पर ट्वीट किया जाएगा रेलवे के द्वारा, PMO के द्वारा, तो उन पर आप लोग जो है अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं। तो मतलब आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहां पर आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। तो अभी आपको जो है वेट करना चाहिए। अब देखो 20 तारीख से बोला गया इस नोटिस में कि 20 तारीख से ये फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, तो आज शाम तक नोटिस इसके अकॉर्डिंग तो आ जाना चाहिए। आज नहीं आएगा तो कल भी हो सकता है कि कल मॉर्निंग में ये नोटिस आ जाए। वैसे तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आज रात तक ये नोटिस कोई ना कोई आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब यहां पर जो है एक और यहां पर सवाल है कि सर अगर वैकेंसीज इंक्रीज नहीं हुई तो अगला कदम क्या होगा, क्योंकि एज रिलैक्सेशन भी एक बड़ा मुद्दा है, उसके अलावा नंबर ऑफ वैकेंसीज भी एक बड़ा मुद्दा है, उसके अलावा टेक्नीशियन की वैकेंसी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इन सारे मुद्दों के लिए जो है कल रात को टीचर्स की मीटिंग हुई, जितने भी टीचर्स वाला ग्रुप है उन्होंने मीटिंग की, और उसमें डिसाइड किया गया कि सबसे पहले तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट किया जाएगा। नोटिफिकेशन जब वेबसाइट पर आ जाएगा उसके बाद जो है अगर चीजें ऐसे ही रहती हैं, वैकेंसीज कम रहती हैं, एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, तो फिर यहां पर जो है अपने स्तर से इस बात को उठाया जाएगा और प्रोटेस्ट के लिए सभी टीचर्स भी तैयार हैं, तो स्टूडेंट को भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए। बाकी अभी आपको थोड़ा सा धैर्य रख के वेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि जैसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं फिर से आपको बता दूं ALP की वैकेंसी बढ़ने के 100% चांसेस हैं। दो रीजन मैंने आपको बता दी है, एक तो GDC की वैकेंसी समझो, और दूसरा 2018 में भी ये वैकेंसी इंक्रीज हुई है। बाकी आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।